पढ़ाई क्लासेस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे बच्चों हम क्वेश्चंस कर सकते हैं रिलेटेड टू हमारी सिंगल ब्रांच, ठीक है। और साथ हमने ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सॉरी सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, ये सारी चर्चाएं प्रीवियस लेक्चर में की हमने। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं KCL और KVL, जिसे हम बोलते हैं बेटा किरचॉफ्स करंट लॉ, और या फिर इसको जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं, या फिर KVL को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या और फिर लूप लॉ भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों मेनली रूल्स है सर्किट थ्योरी में सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज का हमारा मेन एजेंडा यही रहने वाला है। तो हम मेनली ये डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, तो बिल्कुल टेंशन ना करें। बट पहले मैं ये कहूंगा बच्चों, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले बेटा जाके प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखना है। एक बार प्रीवियस वीडियो यदि देख लोगे तो आपको सिंगल ब्रांच सॉल्व करना आ जाएगा, तो कोई भी लो ये लगाना बड़ी बात नहीं रहेगी, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि जाके हम वो वीडियो देख पाए, देख ले पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला, तो बहुत स्ट्रांग आपके सारे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे बिल्कुल आप कोई भी प्रॉब्लम कर पाओगे। चलिए, सो KCL इज किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। यहाँ पे बेटा देखो KVL और KCL में बात करें तो KCL क्या होता है, हम सिंपल बोलते हैं बेटा एट अ जंक्शन, कोई भी जंक्शन रहता है हमारे पास में, कोई भी पॉइंट है, ठीक है। जंक्शन का मतलब क्या है, सर्किट बना हुआ, समझेंगे थोड़ी देर में समझ आएगा। एट अ जंक्शन सम ऑफ ऑल दी करंट्स, तो जितने भी करंट्स है उन सब का सम, मतलब एंटरिंग, या तो जंक्शन को एंटर करेगी या फिर जंक्शन को लीव करेगी, एंटरिंग और लीविंग, ठीक है। एट अ जंक्शन सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग और लीविंग इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा सम जो होगा करंट्स का वो सारा जीरो के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, यहां से करंट जा रहा था, दो टुकड़े मिल गए, तो वो इधर उधर इस तरह से जाएगा कि जाने वाला बराबर आने वाला हो जाए। मैं इसको शॉर्ट में इस तरह याद रखता हूं, आप भी ध्यान रखेंगे, हम सिंपली इसको बोल देते हैं बेटा आने वाला बराबर जाने वाला, कि जो करंट आने वाला है वही करंट क्या होगा, जाने वाला भी होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको ध्यान रखना है। और या फिर क्या बोल सकते हो, टोटल जितना करंट जा रहा है सम इक्वल टू जीरो, आ रहा है उसका सम इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें साइन कंसिडर करना पड़ता है, कैसे, छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे करंट कुछ वैल्यू आई, ठीक है, ये एक पॉइंट था और यहां से सिर्फ दो टुकड़ों में टूट रही है, यहां से करंट आ रहा है आई वन, यहां से करंट जा रहा है आई टू, यहां से करंट जा रहा है आई थ्री। तो एक तो तरीका होता है बेटा, आपको डायरेक्शन वगैरह कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, जैसा लगे वैसा मन करे सबको सम लिख के इक्वल टू जीरो कर दो, तो एक तो वे होता है और फिर साइन आ जाएगा आपका। बट मेन क्या समझना है बेटा, कि हम सोचें तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इस जंक्शन पे आ कितना करंट रहा है आई वन, और जा कितना रहा है आई टू और आई थ्री। तो जो मैंने सिखाया आने वाला बराबर जाने वाला, इससे आप कैसे करोगे, आई वन इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री, सो दिस इज द वे, ठीक है। और यदि करंट की बेटा डायरेक्शन वगैरह पता नहीं है आपको एक्चुअल, या किधर क्या हो रहा है, टोटल जा ही जा रहा है, मान लो इधर से भी आ रहा था इधर से भी आ रहा था, तो मैं सम को इक्वल टू जीरो कर देता, कि कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव आती है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो सभी, तो इस तरह से हम ये बोलते हैं कि काम इस तरह करता है। तो अब आप पूछोगे सर ये हुआ कैसे, तो बेटा सिंपल सी बात है, ये जो लॉ है या रूल है ये किस पे बेस्ड होते हैं, हमारे एनर्जी कंजर्वेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि ये जो रूल होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों रूल्स उसी पे एक तरह से बेस्ड माने जाते हैं, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन है, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन है। सोचो हुआ क्या बेटा, यहां जितना करंट आ रहा था तो क्या चार्ज उतना ही आ रहा है, समझो ध्यान से, तो जितना चार्ज यहां पे आया जंक्शन पे क्या उतना ही आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंपल सा लॉजिक है, चार्ज के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसको चार्ज की टर्म्स में सोचो तो हमें सोचना आसान हो जाएगा, काफी जल्दी हम सोच के आगे बढ़ पाएंगे उसको, ना थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। मान लो यहाँ पे कुछ चार्ज आया क्यू, तो क्या इधर और इधर जाने वाला चार्ज सेम क्यू ही होगा सम उसका, सोच के देखे बेटा, मैं इस तरह से आपको बताता हूँ समझ हो रहा है ना, कि मान लो कि यहाँ पे चार्ज आता है क्यू वन और इधर चार्ज मान लो जाता है Q2 और इधर Q3, तो क्या हम लिखते हैं Q1 equal to Q2 plus Q3, मैं आपको बता रहा हूँ ये आया कहाँ से, ठीक है, तो इनडेप्थ बात कर रहा है थोड़ी सी,
समझना बिल्कुल, तो पक्का कंसेप्ट समझ आएगा, कहीं नहीं अटकोगे। तो ये आया कहां से उसकी बात करते हैं हम। तो सिंपल लग रहा है कि Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 होगा, तो वहीं से करंट भी तो बराबर हो गया यहाँ पे। आई समझ बात सब बच्चों को? दोस्त ये सिंपल रूल होता है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जंक्शन पे आप तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रख लो। ये रूल तो आपको इसलिए ध्यान रखना है, बोर्ड पूछ देगी कि वोल्टेज KCL और क्या बेटा जंक्शन लो, किरचॉफ जंक्शन लो, तो आपको बताना रहेगा। और सवाल करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है? आया समझ सभी बच्चों को? टेंशन ना करो, काफी सारे सवाल करेंगे इन सब पे हम, ठीक है? वन बाय वन। अब देखो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास में KVL। तो KVL की जब चर्चा करते हैं तो बेटा ये क्या बोलता है समझो, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इन ए लूप, ठीक है? कोई भी लूप ले लूं मैं सर्किट का, इन ए लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि किसी लूप में घूमो आप सर्किट के, तो उस लूप में घूमने पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? तो अगेन ये भी बेटा एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं तो समझना। मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, और इससे यहाँ पे बेटा एक बैटरी कनेक्ट की हुई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें स्मॉल आर और ईएमएफ है ई। अब बताए कुछ बातें करते हैं यहाँ पे, करंट कैसे फ्लो करेगा? बैटरी से छोटे से बड़े जाता है और बाहर से, तो करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई, हमें पता चल गया। गुड, तो दिस इज द आई। अब हम पूछे आपसे कि इस पे किरचॉफ्स वोल्टेज लो लगाना है। बेटा पिछली क्लास में यदि आपने अगेन में कह रहा हूं बेटा अटेंड नहीं किया तो जरूर करो, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा कि सर कंसेप्ट्स बिल्कुल हार्ड हो गए, मतलब स्ट्रांग एकदम जबरदस्त हो गए हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, बहुत बढ़िया बात भाई, समझ आ रहा है? सो आई जाया, आई जाया। अब हमने क्या सिखाया था कि बैटरी को कैसे मार करते हैं, छोटा जो साइड होता है बेटा वो लोअर पोटेंशियल होता है तो माइनस, बड़ा साइड होता है वो प्लस की तरह है। और रेजिस्टेंस को कैसे देखोगे, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है हाई से लो। मैं यहां पे लिख देता हूं, रेजिस्टेंस में करंट जो होता है वो कैसे होता है बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, रेजिस्टर में ऐसे जा रहा है, तो ये साइड हाई पोटेंशियल, ये साइड लो पोटेंशियल। तो मैं लिख दूंगा दिस इज द प्लस साइन, दिस इज द माइनस साइन, समझे? रजिस्टर में प्लस और माइनस कैसे लगाया, हाई पोटेंशियल का मतलब प्लस, लो पोटेंशियल का मतलब माइनस। तो रजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है बेटा जी हाई से लो, तो एच से बी। और हमने आपको क्या सिखाया था कि जैसे भी सर्किट में आगे बढ़ रहे हो आपको क्या देखना है, प्लस टू माइनस हुआ यदि, ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है बेटा घटा, मतलब डिक्रीज हुई वैल्यू, तो इसको हमें साइन यूज करना है, माइनस साइन। ये सब पिछले लेक्चर में मैं सिखा चुका हूं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है। दूसरा कैसे कहा था, माइनस से यदि प्लस होता है सर्किट में किसी एलिमेंट पे यदि जा रहे हो तो क्या आएगा, इंक्रीज, और इसका साइन होगा प्लस साइन। तो बेटा जी ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप सर्किट थ्योरी का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर पाओगे। एक सिंगल ब्रांच सॉल्व करना सीखे ना, सिंगल ब्रांच मैंने प्रीवियस लेक्चर में 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन उसके बहुत डिटेल में करवाए थे। प्लीज पहले वो लेक्चर देखो ताकि आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आया हमें, नहीं तो बेटा बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। एंड बिलीव मी सर्किट थ्योरी यदि पढ़ लोगे मुझसे तो एकदम मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स सवाल कर पाओगे और बाद में कहोगे सर मजा आ गया बिल्कुल। तो वो मजा चाहिए तो एक तरह से प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आओ। चलो देखो, तो यहां से हमारा करंट बन गया बिल्कुल बढ़िया। अब बेटा किसी भी पॉइंट से शुरू हो जाओ आप, उसी पॉइंट पे वापस आना है। लूप का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पे वापस आ जाएंगे हम। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो क्या किया हमने समझो, हम शुरू हुए इस पॉइंट से, लेट से हम किसी भी जगह से शुरू हो जाते हैं, यहां से शुरू हो जाता हूं मैं, यहां से आगे बढ़ना शुरू कर रहा हूं, ऐसे ऐसे चल रहा हूं मैं, बड़े डायरेक्शन वगैरह बीच में चेंज नहीं करनी जब तक खत्म नहीं होता। चलो यहाँ रेजिस्टेंस पे तो मार्क किए नहीं सर आपने, तो बेटा करंट इस तरह आ रहा है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो बेटा करंट जा रहा है देखो प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस मतलब घटा, घटा तो साइन क्या आएगा, माइनस का साइन। तो यहाँ पे आप करंट आई है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप माइनस का आई मल्टीप्लाई बाई आर। आया समझ सभी बच्चों को? फिर देखो माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस का मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो साइन कैसे लिखूं, प्लस का, इसका तो पोटेंशियल ई है,
ईएमएफ ई दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया बात। आगे देखो जी बेटा, प्लस से माइनस, आगे तो ये एलिमेंट आया, प्लस से माइनस मतलब घटा, घटा तो माइनस का आई इंटू आर। अच्छा यहाँ पे वापस पहुंच गया, सब हो गया, तो इसको सम किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर, तो इसको इक्वल कर दो जीरो के। तो देखो यहां से आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, तो ये आ गया आई का वैल्यू हमारा। आया समझ सभी बच्चों को कि कैसे निकालेंगे करंट वगैरह। तो ये सिंपल सर्किट लिया है मैंने आपको रूल समझाने के लिए, आपके लॉ समझाने के लिए कि कैसे हैंडलिंग होगी, ठीक है। और इससे इससे कॉम्प्लेक्स तो हम प्रीवियस लेक्चर में करके आए, बिना लॉ का नाम लिए हमने, उस समय मैंने ये नियम का नाम नहीं लिया था इनका कि क्या होता है, बट हमने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस। आज हम इस पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखेंगे, एकदम बिल्कुल शुरू से लेके एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। बेसिक से शुरू कर रहा हूँ बेटा, बहुत बेसिक बताया मैंने, बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक बहुत डिटेल में सब कुछ कवर करने वाला हूँ, तो साथ बने रहे और लेक्चर को देखते रहे आप, ठीक है। सो लिखते हैं क्वेश्चन हम और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको शुरू के दो क्वेश्चंस मैं करके बता रहा हूं कि कैसे हम इन दो क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आप एक बार वीडियो पॉज करना है और सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे धीरे धीरे, तो ये दोनों क्वेश्चन में डिटेल से बता रहा हूँ एक बार के लिए। अब आप बोलोगे सर सिंपल वाला, नहीं सिंपल वाला नहीं है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, फिर आपको धीरे धीरे सारे ट्राई करने हैं, ओके। तो शुरू करते हैं। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमारा, तो हमें क्या करना है कि एक कॉमन पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल मान लेना है। क्या करना है, एक कॉमन पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल मानना है, जहां ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाए। तो यहां साफ दिख रहा है कि इस तरफ में जीरो मान लेता हूं, तो देखो बेटा जैसे यहां जीरो मार्क किया, ठीक है। अब बताओ बैटरी का आपको लिखना सिखाया था, ये जीरो है और ये माइनस और प्लस, तो बीस यहां प्लस का हो जाएगा, सिंस यहां बड़ा बार है ना, तो इधर बीस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। समझ आया सब बच्चों को कि ये 20 है तो ये 20 प्लस का हो जाएगा। बेटा नहीं आ रहा तो अपना प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। तो सिंपली समझो बड़ा बार है तो 20 हो गया बैटरी के क्रॉस। देखो यहाँ पे लोअर बार इस तरफ है, तो इस तरफ पोटेंशियल 10 का है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 10। ऐसे देख के लिख लिया करो कि यहाँ से इधर जाने पर कौन सा आ रहा है, बैटरी के क्रॉस लिखना है तो हम डायरेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं पोटेंशियल। चलो अब क्या निकालना है इससे करंट हमें ब्रांच में, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पता चल गया बेटा इधर हाई है उधर लो है, तो कितना करंट जाएगा, करंट आ जाएगा 20 माइनस माइनस का 10/3, तो वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। तो कितना करंट हो गया इस सर्किट में, इस सर्किट में 10 एम्पियर के बराबर करंट जाएगा। क्या सब बच्चों को समझ आया कैसे किया हमने, पोटेंशियल मार्क करना सीखना है हमें, जो एक पोटेंशियल कॉमन जहां ज्यादा पॉइंट जीरो हो जाए वहां जीरो मानना है, फिर बैटरी को क्रॉस करके जाते हुए पोटेंशियल लिखने हैं। आ रहा है बात समझ सब बच्चों को, तो इसी तरह सारे क्वेश्चन में हमें बढ़ना है। तो मेन क्या सीखे कि एक कॉमन लाइन पकड़ो जहां मैक्सिमम जीरो हो जाए, फिर धीरे धीरे आगे लाइन बाय लाइन बढ़ते चले जाओ, तो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात सर। तो अब देखो इस क्वेश्चन में सेम प्रोसेस में रिपीट करूं, तो आपको साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या था, करंट फाइंड करना है सभी ब्रांच में, इस इन सर्किट्स की जितनी भी ब्रांच दिख रही है सब में करंट फाइंड करना है। चलो तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट को जीरो बोलूंगा तो पूरी लाइन एक ही उससे कनेक्टेड है, सब पॉइंट्स का जीरो हो जाएगा, तो जीरो जीरो और जीरो, तो ये जीरो हो गया अपने पास बेटा। अब देखो अब मार्क करना शुरू करते हैं, तो ढूंढो कहाँ केवल एक ही बैटरी है, तो आप देखोगे ये बैटरी है, इधर बड़ा वाला बाहर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये पॉइंट 8 हो गया, बहुत अच्छी बात। चलो यहां देखो बेटा ये जीरो है, ये बड़ा बार इधर छोटा है लेकिन, तो इसको छोड़ूंगा तो नेगेटिव, बेटा प्लस से माइनस जा रहा हूं तो माइनस, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 4। समझ आ रहा है सब बच्चों को। इसी तरह देखो ये जीरो है, इस तरफ जा रहा हूं तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इस पॉइंट पे, ठीक है। तो बस अब सबका पोटेंशियल पता चल गया, तो देखो इधर हाई पोटेंशियल है तो इसमें करंट जाएगा इस तरफ से, तो कितना करंट आएगा हम डायरेक्ट लिखेंगे 8 - -4, तो 12/2 आंसर आया 6 एम्पियर। आया समझ कैसे किया मैंने, 8 - -4 12/2, ये रेजिस्टेंस की दो वैल्यू है बेटा, जहां बैटरी के पास लिखा हुआ है वो पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस के पास लिखा हुआ है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलो देखो यहां देखो 8 - 4 4/2, तो 2 एम्पियर करंट ऐसे जाएगा। तो अब समझो यहां से होते 6 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा है, इस ब्रांच से होते हुए इधर आ रहा है 2 एम्पियर। सोचो इधर से 6 आया, इधर से 2 आया, तो आने वाला बराबर जाने वाला,
तो आने वाला कितना हो गया जी, 6 और 2 8 हो गया। तो जाने वाला कितना होगा, आने वाला 6 है 8 है, तो जाने वाला भी 8 ही हो जाएगा। तो क्या समझ आ गई बात हमें, बोलो बेटा जी आया नहीं आया। तो क्या क्या सारी ब्रांच में करंट मिल गया, बिल्कुल मिल गया। सोच के देख लो, इधर 8 है, इधर 6 जा रहा है, इधर 2 जा रहा है, तो इधर के लिए आने वाला बराबर जाने वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। तो अब आप क्या करो, इसी पैटर्न से आप ये तीनों चारों क्वेश्चन सोल्व कर लो और फिर आप सॉल्यूशन देखते हैं इनका। ठीक है, तो पॉज करके एक बार आप सोल्व करें फटाफट से सारा, देन फिर सॉल्यूशन हमें देखना है। चलिए देखो बेटा, तो आप सोल्व कर लिया होगा, आई होप आप सब बच्चों ने इसको पॉज करने के बाद। अब यहां क्या करेंगे, फिर से देखो, 0 यहां मान लिया, तो जैसे ही यहां 0 माना, बैटरी क्रॉस करके प्लस वाला ऊपर की तरफ है तो 10, बैटरी क्रॉस करके प्लस ऊपर है तो 10। बेटा यहां कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट भी 10 हो गया, ये पॉइंट भी 10 हो गया, तो अब तो सब क्लियर हो ही गया है। यहां देखो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना आएगा, 10 - 0/10, तो 1 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह इसके अक्रॉस भी कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। आ रहा है बात समझ सबको, चलो बहुत अच्छा। यहां देखो बेटा, 10 - 10 = 0, तो इसमें कोई भी करंट ब्रांच में नहीं जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस तरह से हमारे पास में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये इस तरह से इसमें चलता रहेगा, ये इस तरह से इसमें चलता रहेगा। तो ये करंट बेटा यहाँ से आके इधर चला जाएगा, ये इसी में घूमता रहेगा, और ये करंट इसमें घूमता रहेगा। इसका होना नहीं होना कोई मतलब का नहीं है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में। तो क्या मेरी बात सब बच्चे समझ पा रहे हैं? यदि आपको समझ आ रहा है तो बिल्कुल बताएं, मुझे नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आया वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे। ठीक है, तो क्या इतना पोर्शन क्लियर हुआ सभी बच्चों को कि कैसे हम कर रहे हैं इसको? चलिए बहुत अच्छा बात है, आगे बढ़ाए कहानी को। चलो बेटा जी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास में सर्किट है। अच्छा, ये तो दिल के टाइप का दिख रहा है सर, बिल्कुल। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, सभी करेंगे, सेम पैटर्न पे करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करूं बताओ? तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल मान लो, किसका मान ले, ये पॉइंट दिख रहा है अच्छा सा, तो इसका 0 मान लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका 0 होते यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल बैटरी है, तो इसका 10 हो गया। ठीक है, यहां रेजिस्टेंस बैटरी है, तो इस पॉइंट का 4 हो गया, 4 क्रॉस करके गया ना मैं बस। अब यहां 10 है बेटा, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम, इस जगह 10 है और बैटरी से देखोगे तो यहां से मान सकता हूं मैं कि बैटरी को छोड़ के बेटा यहां पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, माइनस से प्लस। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा चलो एक और तरीका बताता हूं। यदि मान लो बेटा आप डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो ये और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कौन सा रूल यूज करो, अपनी ब्रांच वाला जो हमने सीखा था। मान लिया कि इस ब्रांच में करंट है I1, मान लिया मैंने। ठीक है, मैं आपको अच्छा तरीका और सिखाता हूं। मान लो कि हम ये बैटरी से सर लिखने में डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कई बार बच्चों को होता है, तो हम तो मान लेते हैं इधर करंट गया मान लो I1, तो बेटा शुरू हो जाओ, ये माइनस साइन है प्लस साइन, इस पे करंट ऐसे जाएगा तो प्लस माइनस। ठीक है, तो लिखना शुरू करें, तो देखो यहां से शुरू कर दे, पॉइंट का पोटेंशियल है 10, सो 10 ये माइनस से प्लस हुआ, प्लस माइनस का, प्लस का मतलब इंक्रीज, इंक्रीज तो प्लस के साथ, प्लस 4 आ रहा है सब बच्चों को समझ में, और प्लस से माइनस मतलब घटा, माइनस 2I1 इक्वल टू यहां आने पे कितना आ गया, 0 के बराबर। तो यहां से देखो बेटा I1 की वैल्यू आ गई आपकी 7 एम्पियर के बराबर। तो नहीं समझ आता है डायरेक्ट, तो आप ब्रांच का एक ब्रांच के लिए यूज कर ले, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत प्रैक्टिस की थी। क्या एक सिंगल ब्रांच की तरह है बेटा? बिल्कुल ऐसा सिंगल ब्रांच की तरह तो लग रहा है ये, बस इसमें भी वो यूज कर सकते हैं, बट इसमें डायरेक्ट दिख ही रहा होगा आपको, चाहे तो आप यूज करके देख लो, आंसर आएगा 10 - 4, 6 का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट आ जाएगा 3 एम्पियर। तो देखो बेटा यहां 7 आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, 10 एम्पियर चला जाएगा। मेरी बात समझे सभी बच्चे? तो चलो बहुत अच्छी बात, आपको समझ आ रहा है यदि तो बेटा देखो, कभी भी ऐसा लगे कि सर हम नहीं कर पा रहे या प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमेशा सिंगल ब्रांच मान के सॉल्व कर लो, सिंगल ब्रांच मान के सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, जैसा हमने यहाँ सिखाया आपको। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बहुत प्रैक्टिस की है सिंगल ब्रांच की, तो और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे वहां पे, और अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, सिंगल ब्रांच मान के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो यहां भी सिखाता हूं आपको, आपको लग ही गया होगा, आप तो कहां 0 मान ले हम, यहां पे 0 ले लो सर, यहां पे 0 ले लो, यहां 0 हो गया। अच्छा, एक बैटरी सिंपल दिख रही है, तो ये तो सीधा लिख सकते हो ना बेटा जी, 10 हो गया बैटरी से आगे जाके। अब देखो, अब यदि नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप तो टेंशन मत करो, आप तो मान लो, क्या मान लिया,
इधर मान लो करंट आई वन है, इधर मान लो करंट आई टू है, और इधर मान लो करंट आई थ्री है। अच्छा नेगेटिव वैल्यू आ गई तो जो डायरेक्शन मानी उसका उल्टा है। चलो इसके लिए लिखे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। इस पॉइंट से शुरू हो जाऊं, टेन टेन प्लस से माइनस मतलब घटा, माइनस टू आई वन प्लस से माइनस मतलब घटा, माइनस का फोर इक्वल टू जीरो, एंड हुआ जीरो पे। इस ब्रांच के लिए लिख रहा हूं ना, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आई वन की 6/2, 3 एम्पियर। समझे क्या? इसी तरह देखो इस ब्रांच पे चलोगे तो कुछ है ही नहीं, 10 - 0/2, 5 एम्पियर। ठीक है, ये तो ऑरली कर सकते हो, बट आपको लिख के करना है एग्जाम्स वगैरह में, बट यहाँ डायरेक्ट कर दिया। चलो देखो इस ब्रांच के लिए लिख लो, तो कैसे करूं, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो वही 10 इस वाली ब्रांच के लिए लिख रहा हूं, 10 प्लस, प्लस का मतलब बड़ा, प्लस का 6, प्लस माइनस मतलब घटा, माइनस का 2i3 इक्वल टू 0। तो यहां से i3 की वैल्यू आ गई बेटा जी 8 एम्पियर। तो सारी वैल्यू जा चुकी है हमारे पास, ये कितनी है हमारे पास में बेटा जी 3, ये है 5 और ये है 8। तो देखो यहां से 3 आया, यहां से 3 आ रहा है यहां, ठीक है, यहां से 5 एम्पियर आ रहा है और यहां से 8 एम्पियर आ रहा है। तो बेटा देखो इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे आने वाला करंट कितना है, 8 और 5 13, तो इधर जाने वाला करंट भी कितना होगा, 13 एम्पियर। तो इधर से 3 आ रहा है, इधर से 13 आ रहा है, तो 13 और 3 कितना होता है 16, तो इधर कितना जाएगा 16 एम्पियर। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दे, समझो पहले क्या किया बेटा, सबसे पहले स्टेप पोटेंशियल मार्क किए, फिर जहां सिंगल बैटरी दिख रही है वहां पे हमने पोटेंशियल लिख लिया डायरेक्ट, अब उसकी हेल्प से सारी ब्रांच का पोटेंशियल लिखा। यदि आप समझदार है कंपिटेटिव एग्जाम में तो यही करना होगा, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें जैसा मैं कर रहा हूं बेटा डायरेक्ट करने का, नहीं तो फिर हम ये इक्वेशन लिखेंगे विद इन सेकंड्स आ जाएगा इससे भी आंसर। ठीक है, तो आंसर लिख लिए हमने, वेरी गुड सर, आगे आंसर भी हमारे आंसर आ गया आई वन आई टू आई थ्री। अब हमें देखना है कि इस बैटरी से कितना करंट जा रहा है, तो हमने इसको आगे बढ़ाया कि 3 आ रहा है, 5 और 8 13 यहां पे आया, तो यहां जाएगा भी 13, तो यहां पे 13 और 3 16 आया, तो यहां जाएगा भी 16। तो क्या समझ आ रही है सभी बच्चों को बातें मेरी? तो इस तरह से हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अब तक भी बेटा आपने ट्राई नहीं किया है तो प्लीज एक बार जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ताकि हम आगे समझ पाए कि क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको समझ आया नहीं आया। यदि आंसर नहीं निकाल पाओगे खुद से तो बेटा इसको बार बार भी देखोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद से इसका आंसर निकाल पाए, खुद से निकाल लोगे तो पक्का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होके दिमाग में फीड हो जाएगा, हमेशा रहेगा आपके पास वो। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो फिर से बताओ क्या करूं बच्चों, आप ही बताओ। देखिए 0 मार्क कर दो सर हमेशा की तरह। चलिए फिर क्या करूं सर, देखो कि कोई बैटरी सिंगल है क्या बिना रेजिस्टेंस के। हाँ दिख गई, ये बैटरी बिना रेजिस्टेंस के है। तो सर यहां 0, तो ये बड़ा डंडा इस तरफ है, तो ये 10 हो गया। बहुत अच्छी बात है जी, चलो बढ़िया। अब जिसको समझ आता है वो डायरेक्ट करे बेटा, नहीं आता तो मैं फिर से आपको सॉल्व करके सिखा रहा हूं। मान लो इधर आई वन करंट, ठीक है, इस ब्रांच में आई टू, इस ब्रांच में आई थ्री और इस ब्रांच में आई फोर, टोटल करंट यहां से मान लिया हमने लीव कर रहा है। ठीक है, बैटरी की ब्रांच में डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो आप सिंपल शुरू हो जाओ बेटा। देखो इस ब्रांच के लिए लिख रहा हूं यहां, क्या लिखूंगा, 10 प्लस 4 और माइनस 2i1 इक्वल टू 0, तो i1 की वैल्यू आ गई 7। समझे या नहीं समझे? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो i2 10 - 0/2, तो मैं i2 को डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 10 - 0, कोई बैटरी नहीं है बीच में, तो 5। इसी तरह देखो i3 10 - से प्लस मतलब बड़ा, तो 10 इसकी लिख रहे हैं हम i3 वाले की, 10 + 4 - 2i3 इक्वल टू 0, तो i3 कितना आ गया, i3 भी आ गया 7 एम्पियर। अब i4 का लिख लो, तो 10, अब यहां पे प्लस से माइनस मतलब घटा, तो 10 - 4 - 2i4 इक्वल टू 0, तो i4 की वैल्यू आ गई बेटा जी कितनी, 10 - 2 - 4 - 6 - 3। तो सारी करंट आ चुकी है आपके पास, i1 i2 i3 i4, तो सारी करंट वैल्यू आ गई। तो अब क्या करें जी, कुछ नहीं करना है सर, बहुत आसान है। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पे आया करंट कितना, i1 की वैल्यू 7, तो यहां आ रहा है 7 एम्पियर। ठीक है, अब इधर से देख लो, इधर करंट आ रहा है कितना जी, 5 एम्पियर। यहां से करंट चल के आया कितना, i3 की वैल्यू आई 7 और यहां से आया 3, तो यहां आने वाला बराबर जाने वाला,
तो यहाँ 10 आया तो इधर 10 जाएगा, देखो यहाँ 10 आया यहाँ 5 आया तो इधर 15 जाएगा, तो यहाँ 15 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो 15 और 7 22, तो इधर कितना जाएगा 22 एम्पियर। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा करंट का हो गया, किस तरह करेंगे। चलिए वापस रिपीट करते हैं, क्या सीखना है बेटा, सीखो दो बातें, किसी भी ब्रांच में लिखना की प्रैक्टिस पिछले सेशन में बहुत की है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। इस पॉइंट से शुरू हो जाओ, पॉइंट का पोटेंशियल लिखा 10, फिर देखो बैटरी माइनस से प्लस, ये माइनस होता है प्लस बड़ा डंडा, तो माइनस से प्लस मतलब बढ़ा, बढ़ा तो प्लस के साथ प्लस। रेजिस्टेंस में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल का मतलब हो गया सर ये प्लस ये माइनस, तो प्लस से माइनस मतलब घटा, घटा तो माइनस के साथ, तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं रेजिस्टेंस का, IR, तो IR लिख दिया। और यहां देखो फाइनली किसके बराबर आ रहा है, वो जीरो के बराबर। तो ऐसे करके हम सोल्व कर लेते हैं बेटा, और जंक्शन लॉ यूज कर रहे हैं, आपको पता है आने वाला बराबर जाने वाला, मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं जंक्शन लॉ यूज कर रहा हूं। क्या सभी बच्चों को बात क्लियर हुई मेरी कि कैसे करेंगे आप सभी बच्चे। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, या हमारे बहुत काम आते हैं, इवन हम बहुत एडवांस लेवल पे सब कुछ करने वाले हैं, इसमें पूरा एडवांस लेवल पे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका कवर कर रहा हूं। यदि इस पोर्शन में कोई भी डाउट हो तो वो जरूर बताए। तो ये एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें बेटा आपने देखा होगा कि एक बैटरी हमेशा ऐसी थी जिसमें रेजिस्टेंस नहीं था, ध्यान दे एक से ज्यादा हो तो बहुत अच्छा, कि एटलीस्ट एक बैटरी इन सारे क्वेश्चंस में ऐसी थी जिसमें रेजिस्टेंस नहीं था। अब हम ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें रेजिस्टेंस भी आ जाएगा बैटरीज के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की। तो आप सब लोग बच्चे ये नोट डाउन कर ले और अपने लैंग्वेज में इनको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से लिख ले, और आज घर पे इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करें। तो देखो बेटा ये सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप देखेंगे कि अब आपके पास में कोई भी बैटरी ऐसी नहीं है जिसमें कि हमारे पास में क्या नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, या सॉरी जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें बेटा, फंडा तो वही है कि सबसे पहले क्या मान लो, जहां पे नॉर्मल है उस पॉइंट को जीरो मान लो। चलो जीरो मान लिया, ठीक है, अब देखो कैसे करें। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं हम, ना इस पॉइंट का लिख पा रहे हैं ना किसी और का लिख पा रहे हैं। तो आप देखो ये जंक्शन टाइप से बन गया, तो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन जंक्शन रहे उन कॉमन जंक्शन का कुछ पोटेंशियल मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है बेटा कि एक कॉमन जंक्शन है, तो हम क्या करेंगे इसका पोटेंशियल मान लेंगे, ठीक है। सो पोटेंशियल मान ले इसका, चलो मान लेते हैं। तो ये कॉमन जंक्शन है, मैंने मान लिया कि इसका मान लो एक्स पोटेंशियल है, ठीक है, चलो बढ़िया। और फिर हम क्या करें, हम किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ यूज करेंगे, हम तो मान लेंगे चारों तरफ करंट जा रहा है, यदि नहीं होगा तो माइनस आ जाएगा, आने वाला बराबर जाने वाला, या समझ लिया सम ऑफ ऑल द करंट्स इक्वल टू जीरो। तो मान लिया इधर करंट जा रहा है आई वन, मान लो इधर करंट जा रहा है आई टू, मान लिया कि इधर जा रहा है आई थ्री और इधर जा रहा है आई फोर। अच्छा बेटा किसी की भी वैल्यू नेगेटिव आई तो मतलब क्या होगा कि हमने जो डायरेक्शन मानी है उस डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है वो। मान लो हमने इधर माना है, जैसे वेलोसिटी का करते थे, आपको पता है कि वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में मानते थे और नेगेटिव आ जाती थी, तो हम बोलते थे जिस डायरेक्शन में माना उसका अपोजिट आंसर है। सेम यहाँ पे भी होगा, अब क्या करें बताओ। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, हम अब सेपरेट ब्रांच लेंगे और आई वन आई टू आई थ्री और आई फोर की वैल्यू फाइंड करेंगे, करें शुरू। तो हम ब्रांच ले लेते हैं बेटा, सबसे पहले देखो ये वाली ब्रांच ले लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इस ब्रांच के लिए लिख लेते हैं हम, कैसे लिखेंगे बताओ, इस ब्रांच के लिए यहां से शुरू हो जाऊं तो ये देखो प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि करंट को इधर आता हुआ माना है, तो एक्स प्लस से माइनस मतलब घटा, माइनस का फोर प्लस से माइनस मतलब घटा, माइनस का टू आई वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखोगे बेटा तो आई वन की वैल्यू जो आ जाएगी, I1 की वैल्यू अभी x माइनस फोर बाई टू, सो दिस इज I1, ओके। इसी तरह देखो ये निकालूंगा मैं, तो प्लस माइनस, ठीक है। सो x इस वाली ब्रांच की बात कर रहे हैं बेटा, x प्लस से माइनस मतलब बेटा माइनस का टू आई टू, प्लस से माइनस मतलब बेटा तो माइनस का टेन इक्वल टू जीरो। So, यहां से I2 की वैल्यू आ जाएगी x माइनस टेन बाई टू। अच्छा बेटा जानबूझ के सवाल को थोड़ा आसान रखने के लिए मैं सारे रेजिस्टेंस दो के ले लिए, चेंज भी हो सकता है तो मनमर्जी से बेटा वैल्यूज ली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो देखो, तो दो वैल्यू हमारे पास आ गए I1 I2,
इसी तरह बेटा इस ब्रांच को लिख लेंगे हम, इस वाली ब्रांच को, ठीक है, तीसरी आई थ्री वाली को। तो वहां से शुरू हो जाओ अगेन, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो एक्स प्लस से माइनस का मतलब घटा, माइनस का टू आई थ्री माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो, तो आई थ्री आ जाएगा एक्स माइनस सिक्स बाई टू। ये तीसरा इक्वेशन हो गया हमारे पास, और अब इसका लिख लेते हैं फोर्थ चौथा इक्वेशन। तो एक्स से प्लस माइनस प्लस माइनस, सो बेटा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू आई फोर माइनस का फोर इक्वल टू जीरो, सो एक्स माइनस फोर बाई टू इक्वल टू आई फोर। तो ये आ गई हमारे पास में चौथी इक्वेशन। अच्छा, आपको सबको पता है यूजिंग किरचॉफ जंक्शन लॉ, तो हम कौन सा रूल यूज कर लेंगे यहाँ पे, चार इक्वेशन की हेल्प से हम बोलेंगे जंक्शन लॉ यूज कर रहे हैं हम। तो जंक्शन लॉ की वजह से, जंक्शन लॉ बोल दो या केसीएल बोल दो, तो हम क्या बोलेंगे, समेशन आई इक्वल टू जीरो, कि सारा सम जो भी है करंट का इस जंक्शन पे वो क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो आई वन आई टू आई थ्री आई फोर की वैल्यू उठा लो यहाँ से। तो देखिए बेटा जी, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर बाई टू यहाँ से आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस टेन बाई टू प्लस आई थ्री कितना है, एक्स माइनस सिक्स बाई टू प्लस एक्स माइनस फोर बाई टू इक्वल टू जीरो। तो बेटा सबका एलसीएम टू है, डायरेक्ट जोड़ दो। तो x प्लस x प्लस x प्लस x 4x, माइनस का 4 माइनस का 10 माइनस का 14 माइनस का 14 प्लस 6 तो माइनस का 20 24, सो माइनस 24 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया बेटा 6। बस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की हो चेक कर लेना। अब x का वैल्यू आ गया तो क्या i1 i2 i3 i4 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। i1 की वैल्यू आ गई 6 माइनस 4 बटा 2 1, i2 की वैल्यू आ गई, ध्यान से देखो आप, I2 की वैल्यू आएगी बेटा 6 माइनस 4 बट्टा 2, तो माइनस 2, माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, I2 इधर जा रहा है, समझ गए आप। चलो बहुत अच्छी बात है, अब देख लो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, I3 आ जाएगा 0। अरे वाह, तो मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जा रहा है आपका, ठीक है। और I4 की वैल्यू भी आ जाएगी 1 एम्पियर। तो इस तरह से हमने सारे आंसर्स फाइंड कर लिए, और बहुत डिटेल और बहुत अच्छे से फाइंड कर लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसी की तर्ज पे बेटा आपको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे, अभी पॉज करके वीडियो को उसे सॉल्व करना है। और आपको लगेगा बेटा वो क्वेश्चन थोड़ा अजीब कि सर ये क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ, तो आप ट्राई करो उसे, फिर हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है देखे सभी बच्चे, आई होप आप सबने ये नोट कर लिया होगा बेटा, पॉज करके नोट करें जरूर क्वेश्चन को, काफी अच्छा सवाल है। तो ये देखो सभी बच्चे, क्वेश्चन है इस तरह से हमारे पास, अब यहाँ पे क्या बच्चे बहुत गलती कर देते हैं ना, इसलिए सॉल्व करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को। चलो देखो, ये 20 वोल्ट है, मान लेते हैं 20 वोल्ट दिया हुआ है। अब क्या ले ले हम, 6 सिंप्लीफिकेशन के लिए ले ले रहे हैं, 6 और यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो। तो इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास में, और हमसे पूछा जा रहा है बेटा कि यहाँ पे कितना करंट होगा। क्वेश्चन है ये कि जो बीच की ब्रांच है, बीच का जो वायर लगा हुआ है, इसमें कितना करंट होगा, दिस इज द प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम समझ आई, तो सभी बच्चे इसको ट्राई करो एक बार के लिए फटाफट से, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए जल्दी से, कि ये प्रॉब्लम समझ आ गई तो आपकी आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा, आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आई होगी, हमें क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। और आई क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कई बार लग सकता है कि सर ये तो जीरो आ जाना चाहिए, लग सकता है क्या, हो भी सकता है, सॉल्व करने से पता चलेगा कि सर ये तो सिंगल वायर है, सिंगल वायर मतलब जीरो आंसर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंगल वायर में आपने अभी देखा केवल बैटरी लगी हुई थी तो करंट जा रहा था कि नहीं जा रहा था, इतने सारे सवाल कर लिए, सब में रेजिस्टेंस था ही नहीं, केवल बैटरी लगी थी करंट जा रहा था, तो क्या यहां भी करंट जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो बेटा कभी भी यदि होता क्या है, बैटरी लगी होती तो फिर भी फील आता है कि सर ये बैटरी लगी हुई है तो हाँ करंट जा रहा होगा यार, बैटरी लगी हुई है, बट यहाँ बैटरी नहीं लगी हुई तो धोखा नहीं खाना, यदि करंट इसमें जा सकता है या नहीं वो पता चलेगा कैलकुलेशन से। मेरी बात समझ आई सब बच्चों को, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉब्लम, तो समझते हैं इसको करते हैं। चलिए वही तरीका हमारा, जीरो मान लो तो यहां 20 हो जाएगा, ठीक है ना, एक की तो बैटरी आ गई, अब हम फंस गए,
क्योंकि अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है, तो क्या करेंगे सर, x मान लो ना, तो हमने क्या किया बेटा, इस पॉइंट पे x मान लिया, इस पॉइंट पे भी x हो गया, क्योंकि वायर है सेम, तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लग दिख रहा, बट करंट तो जा सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं अब, तो यहां से देखो हमारे पास में क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा जरूरी है रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो करवाने के लिए, बट इसका तो रेजिस्टेंस ही नहीं है यहाँ के लिए अपना, तो इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। शुरू कर देते हैं, कैसे करें बताओ शुरू, तो सिंपल सी बात है, इधर जो करंट होगा और इधर जो करंट होगा उन दोनों का सम किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, समझो मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखे बच्चों कि यहां पे इस तरह से समझिए इसको कि हम सॉल्व कर पाए और इसको समझ पाए ढंग से, कि मेरे पास में इस सर्किट को जो मैं फाइंड कर रहा हूं, अच्छा पहले तो देखो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर देते हैं ताकि और थोड़ा क्लियरली समझ आए हमें, है ना। तो क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों, इस तरफ का पैरेलल, इस तरफ का पैरेलल, आ रहा है समझ में, ये जो पार्ट है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आंसर कितना आ जाएगा, पैरेलल का इक्विवेलेंट, 6 और 6 का इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा कितना आता है, 36/12 3, और 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बेटा, इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया हमने, आया समझ या नहीं आया फटाफट से बोल के बताओ, ठीक है, आई गया होगा समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है, तो करते हैं शुरू कहानी को, चलिए करें। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, कि सर्किट को मैं रिड्यूस करूं तो ये रिडक्शन होके सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, कि इस तरफ हमारे पास हो गया बेटा कितना 3, इस तरफ हो गया 2, और बैटरी लगी है 20 वोल्ट की, और यहां का पोटेंशियल हमें चाहिए, ठीक है, x, तो 0 20 0 20, तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो जो हो रहा है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो 20/5, तो कितना करंट आ गया इसमें, इसके लिए हम देखो तो इसमें करंट आ गया 5 एम्पियर का, ठीक है, सो 5 एम्पियर का करंट आ गया। तो देखो x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, अब सिंपल सी बात है, इस रेजिस्टेंस को ले लो आप, ठीक है, सो इस तरफ करंट जा रहा है, तो कहना है 20 - x/3 = 5, ध्यान से देखो 20 - x/3 = 5, सो यहां से वैल्यू आ जाएगी 20 - x = 15, तो x की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। क्या मेरी बात समझे सभी बच्चे, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई, बोलो आ रहा है समझ या नहीं आ रहा, ठीक है। सो x की वैल्यू यदि 5 के बराबर आ जाती है, तो आप बोलोगे सर यहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगा उससे, तो क्या कुछ प्रॉब्लम करती बेटा, फटाफट से देखो 3 और 6 2 5, अच्छा 4 एम्पियर आएगा, सॉरी करंट इज 4 एम्पियर, हाँ हाँ ठीक है, तो ये बेटा 4 है, यही मैं सोच रहा था कि कैसे आ गया, तो ये 4 था तो बेटा 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है, तो अब बिल्कुल सही है, तो x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है, सो 8/2 4, हाँ सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, चलो बेटा आप लोगों ने बताया भी नहीं कि मिस्टेक कर रहे हैं, चलो ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 8। अब वापस इस सर्किट पे चलो, ठीक है, इस वाले सर्किट पे वापस आ जाते हैं हम, तो x का वैल्यू आ गया 8। अब बेटा फटाफट से करंट लिख ले, तो इस तरफ करंट बताओ कितना होगा, 20 - 8/6, तो 12/6 का मतलब कितना हो गया, 2 एम्पियर, समझ रहे हैं सभी बच्चे। अब देखो इस तरफ 20, अगेन भाई 20 - 12 मतलब 2 एम्पियर ही आ जाएगा ये भी, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, बढ़िया बात। इधर देखो 8 - 0/6 मतलब इधर जाएगा कितना, 8/6 मतलब 4/3, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो और समझो, तो 4/3 जा रहा है। अब समझना बात को मेरे बेटा, यहां 2 एम्पियर आ रहा है बट जा कितना रहा है, 4/3, समझो 2 एम्पियर इस जंक्शन पे आया और गया कितना, 4/3, तो सोच के देखो क्या इधर जाना चाहिए, तो ये जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, निकाल ले इसको, 2 - 4/3, समझ रहे हो, आने वाला 2 है, जाने वाला 2 के बराबर होना चाहिए, तो 2 में से 4/3 माइनस कर दूंगा, तो इस वैल्यू को मान लो आई, तो ये आई मिल गया हमें, तो आई कितना आ गया, 3 * 6 - 4 2/3, तो आई का वैल्यू आ गया बेटा जी कितना, 2/3 एम्पियर, तो करके देख लो सोल्व, इधर 2/3 आया, पहले इसको सोचो सब सही बैठेगा क्या, x माइनस जीरो
तो x कितना है 8, 8 माइनस 0 तो ये करंट आ गया 8/3। ठीक है, अब सोच के देखो कैसे होगा बेटा। देखो इधर 2 एम्पियर, इधर 4/3, इधर 2/3, तो 2 प्लस 2/3 इधर जाना चाहिए, तो 2 प्लस 2/3 कितना आता है, 8/3 आता है। तो क्या सब कुछ आंसर सेट मैच कर गए हमारे? बिल्कुल कर गए। तो I का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 एम्पियर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कैसे किया। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉब्लम्स, आप और तरीके से भी कर सकते हो, बट मुझे स्पेसिफिकली अच्छा लगता है। आपने पोटेंशियल मार्क किए तो देखा ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, सर्किट को रिड्यूस करो। रिड्यूस किया तो ये सिचुएशन आई, बेटा 5 चौका 20, 4 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो हमने एक्स फाइंड कर लिया, एक्स पता चलते यहाँ करंट, यहाँ करंट, यहाँ करंट, यहाँ करंट निकाल लो, तो अपने आप पता चल जाएगा इधर कितना आएगा। आया समझ में? नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में आता है, तो आपको ये समझ आया है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताया सर कब समझ आया और अच्छा लगा, और यदि कोई डाउट रह गया है तो वो भी बताया मुझे। नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपका कोई भी है तो। ठीक है, सो थैंक्स। एंड और बेटा आपको और कुछ स्पेसिफिक वीडियो बनवाना है कि सर इस पे आप वीडियो बनाएंगे तो हमें जरूरी है वो, तो दैट वी कैन ऑल्सो डू, तो वो आप कमेंट सेक्शन में सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।